ये है TVS Jupiter 125, 125 cc का जुपिटर। और जब से ये मार्केट में आया है, सबसे हाईलाइटेड चीज़ इसकी रही है इसका स्पेस, यानी कि जो इसमें स्पेस कंपनी देती है, चाहे आगे पैर रखने का स्पेस हो, चाहे डिग्गी के अंदर जो है हेलमेट रखने का स्पेस हो, वो सब कुछ इसमें बहुत पर्याप्त मिलता है। अभी 2024 में इसमें कुछ अपडेट्स कंपनी ने किए हैं, क्योंकि ये फीचर लोडेड तो पहले भी आती थी, लेकिन अभी उससे कहीं ज़्यादा फीचर लोडेड हो चुकी है। मैं आपको कीमत बता दूं सबसे पहले, इसके तीन वेरिएंट आएंगे 2024 में, पहला ड्रम एलॉय के साथ, दूसरा डिस्क के साथ और तीसरा स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ, यानी कि सबसे टॉप मॉडल। तो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये सबसे टॉप मॉडल है जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी। यहाँ पर आगे वाली प्रोफाइल देखिए, यहाँ पर डायमंड कट एलॉय व्हील आपको मिलते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, इसको लेकर मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा। टायर्स की बात करूँ तो आगे वाला टायर 90/90 का है, 90/90 का, और ये 12 इंच का ट्यूबलेस टायर है। आगे आपको डिस्क भी मिल रहा है जिसकी साइज़ 220 mm है। अगर आप चाहें तो विदाउट डिस्क वाला ड्रम वेरियंट इसका ले सकते हैं, जो जिसकी कीमत इससे काफ़ी कम होगी। मैं तीनों वेरिएंट की कीमत आपको कंपेरिजन करके आगे बताऊँगा, इसको आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो काफ़ी स्पीशियस दिखती है ये, मतलब एक्टिवा 125 को ये खासा टक्कर देती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्सेस 125 को भी टक्कर देती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हुक बार मिलता है, साइड में फ्यूल कैप मिल जाता है, आगे ही आप पेट्रोल वगैरह भरवा सकते हैं, और आपको ग्लव बॉक्स वाला सेटअप भी मिल जाता है। पीछे वाली प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पे क्रोम की बेजिंग फिनिशिंग आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। वैसे तो ये टॉप मॉडल है, इसलिए इसमें आपको सिर्फ दो ही वेरिएंट मिलते हैं, ये एलिगेंट रेड कलर है, इसके अलावा एक कलर और आता है। और अगर आप इसके बेस मॉडल में या सेकंड टॉप में जाते हैं तो वहाँ पे और कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। पीछे वाला भी देखिए, डायमंड कट एलॉय व्हील है, और ये भी 90/90 का ही 12 इंच का ट्यूबलेस टायर है। आगे और पीछे दोनों ही टायर की साइज कंपनी ने एकदम सेम डिटो सेम रखी है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ ना, तो इसमें आप 5.1 लीटर तक का पेट्रोल भरवा सकते हैं, ठीक है, 5.1 लीटर पेट्रोल आप इसमें भरवा सकते हैं, और माइलेज आप 45 तक का इसमें निकाल सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है। माइलेज को लेकर आप ज़्यादा कंप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए इको स्पीड में चलाइए। अगर आप हाई स्पीड में चलाते हैं ना, तो फिर 45 तो कत ही नहीं निकलेगा, इतना अपने जहन में डाल लीजिए आप, ठीक है। अगर मैं इंजन की बात करूँ ना, तो इसमें आपको अच्छा इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन है, जिसमें मैक्स पावर आउटपुट 6 kW की है, 6 kW की है। जब आप इसे PS में कन्वर्ट करेंगे तो 8 या 8.5 समथिंग PS की पावर हो जाएगी, और टॉर्क इसमें 10.5 Nm का टॉर्क मिलता है। तो मतलब देखिए, पावर और टॉर्क तो इतना इनफ है कि अगर आप सिंगल चलते हैं पहाड़ी जगहों पे, तो आपको ये बाइक पहाड़ पे चढ़ा देगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दो लोगों के साथ थोड़ा बहुत तो वो होगा ही, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। सीटिंग कंफर्ट इसका काफ़ी अच्छा लगा, मतलब अगर आप लंबी दूरी तय करना चाहें तो ये स्कूटर आपको निराश नहीं करेगा, दोनों लोगों के लिए। और पीछे तो आपको बढ़िया जो है पीछे बैकरेस्ट मिल जाता है, तो जो पीछे बैठेंगे उनको और ज़्यादा एक्स्ट्रा कंफर्ट मिल जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे। अब इसका हाईलाइटेड चीज़ जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो है बूट स्पेस, यानी कि सीट के नीचे का स्टोरेज। अब देखिए, इसकी सच्चाई मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी कहती है कि आप इसमें 2 हेलमेट रख सकते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप मीडियम साइज या स्मॉल साइज के जो हेलमेट आते हैं ना, वही आप इसमें रख सकते हैं 2। अगर आप बड़ी साइज का हेलमेट रखेंगे तो आप 2 नहीं रख सकते हैं, और वो भी बड़ी साइज का, मतलब मीडियम साइज में जो लंबे वाले हेलमेट आते हैं ना, जो थोड़े से आगे चिन साइज में निकले होते हैं, वो आप इसमें 2 नहीं रख पाएंगे, आप ये चीज ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए, फ्यूल कैप आपको मिलता है, यहाँ पे पेट्रोल वगैरह आप भरवा सकते हैं, और यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिलता है जहाँ पे आप अपने फ़ोन को रख सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग पोर्ट की सुविधा मिलती है, आप चलती स्कूटर पे अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। ऑल इन वन लॉक सिस्टम भी मिलता है। तो देखिए, आगे ना इसमें फीचर लोडेड है, आपको कुछ नहीं करना है, यहीं से सारी चीज़ें हो जाएंगी, यहीं से पेट्रोल भरवा लीजिए, यहीं से मोबाइल चार्ज कर लीजिए, सारी चीज़ यहीं से हो जाएगी। अभी देखिए, मीटर कंसोल इसका फुली डिजिटल, कमाल का डिस्प्ले मिलता है, मतलब मैं तो तारीफ करूंगा भाई इसके डिस्प्ले की, क्योंकि स्कूटर्स में मैंने डिजिटल मीटर कंसोल देखे हैं, लेकिन जो जुपिटर 125 का है ना, वन ऑफ द बेस्ट यार, जैसे इनका एंटॉर का आता है ना, वैसे ही, मतलब कमाल का डिस्प्ले है। इसमें इन्फॉर्मेशन आपको ना भर भर के मिलती है, बहुत कमाल की जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे डिस्टेंस टू इंपटी मिल गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल गई, अगर आप फ़ोन से इसको कनेक्ट कर लेंगे तो फिर आप नेविगेशन का सुविधा का लाभ उठा पाएंगे, इसमें वॉइस असिस्ट की सुविधा उपलब्ध है, तो बहुत सारे फीचर हैं, मतलब अगर आप एक एक करके देखना चाहेंगे ना, तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा इसके सारे फीचर देखने में। तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि यार, मीटर कंसोल को लेकर ना मैं बहुत फुली इम्प्रेस हूँ, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 125 सीसी का स्कूटर है और उस हिसाब से मीटर कंसोल बहुत परफेक्ट है। अब ये मत सोचिएगा कीमत कंपनी बहुत ज़्यादा रखती है, इसकी टॉप मॉडल की जो कीमत है, चलिए मैं कीमत ही बता देता हूँ आपको, टॉप मॉडल की कीमत 90,480 रुपये,
90,480 रुपीस इसकी एक्सोनो प्राइस है। ये ऑन रोड आपको मिलेगी लगभग 1,08,000 से लेकर 1,15,000 के बीच में, ये कंप्लीट ऑन रोड आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो प्राइस हल्का सा आपको ज़्यादा लग रहा होगा, बट द थिंग इज कि इसमें फीचर्स भी तो आपको मिल रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे आपको हैजर्ड स्विच भी मिलता है इस स्कूटर में। ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी कि मान लीजिए धुंध का समय है या फिर कहीं आप पार्किंग कर रहे हैं, कहीं खड़े हैं, तो आप हैजर्ड स्विच का इस्तेमाल कर लीजिए, आपकी सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। स्विचेस वही पुराने वाले ही आपको मिलते हैं, जब ये लॉन्च हुई थी वही वाले स्विचेस हैं, बस हैजर्ड स्विच इसमें कंपनी ने जो है ऐड कर दिया है, जो कि पहले भी था लेकिन अभी जो है उसको अपडेट कर दिया है, ठीक है। इसमें लंबी सीट भी आपको मिलती है और सारी चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर मान लीजिए अगर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, सेम यही स्कूटर चाहिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, आगे डिस्क नहीं चाहिए, तो आप इसमें अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं, लगभग 11,000 रुपये। मतलब कि इसका जो बेस मॉडल है ना वो 79,299 यानी कि 79,299 रुपये एक्सोरूम प्राइस पे पड़ रहा है, यानी कि 11,000 रुपये सस्ता पड़ेगा, और डिस्क वेरिएंट 84,000 रुपये एक्सोरूम प्राइस पे पड़ेगा, ठीक है। आप जितनी भी मैं एक्सोरूम प्राइस बता रहा हूँ उसमें आपको 18 से लेकर 22,000 रुपये ऐड कर देने हैं, तब आप इसके ऑन रोड प्राइस पे पहुँच जाएंगे। तो कैसी लगी जुपिटर 125 बताइएगा। हाँ, एक चीज़ और, सस्पेंशन में आपको बता दूं, आगे टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन और पीछे एडजस्टेबल रियर शॉक सस्पेंशन कंपनी लगा कर देती है। सस्पेंशन क्वालिटी भी इसकी ठीक है, इसको लेकर भी कोई डाउट नहीं करना है। आप लेने से पहले एक बार टेस्ट राइड जरूर लें, टेस्ट राइड लेने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।